हेलो दोस्तों, प्लानर मशीन का जो बोल्ट है ना, ये टूट गया है तो इसको ओपन करना है। आप कैसे घर में भी इसको ओपन कर पाओगे तो हम आपको जो सही इसमें तरीका होता है ना, हम आपको दिखाते हैं। पहले हम बोल्ट को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं। तो बोल्ट ओपन करने के बाद हम इसको ठोक के खोलते हैं। कैसे ठोक के खोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या होता है, आपको ठोक के खोलना है तो मिडिल पे आप ठोक देते हो, नाट जो है ना थ्रेड ख़राब हो जाता है, बाद में खोलने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बड़े से खोलने से थ्रेड भी ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसे खोलना नहीं है, आपको खोलने का सही तरीका हम आपको दिखा देते हैं। इसको ठोकना है ना बाहर से, आपको ऊपर में ठोकना है, धीरे से ठोकना है तो बड़े से ओपन हो जाएगा। और एक तरीका होता है, ड्रिल मशीन से आप ओपन कर पाओगे। मैंने भी ड्रिल मशीन से ओपन किए हैं तो कभी कभार ओपन होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। तो पहले आपको ठोक के हमें इसको चेक करना है, जो इसमें नाट है ना वो थोड़ा सा घूम रहा है, नहीं है तो थोड़ा सा घूम जाएगा ना तो हम बड़े से ओपन कर पाएंगे। इतने नीचे चला गया, हम उसको हाथों से पकड़ नहीं पाएगा, तो पकड़ने के लिए हमें थोड़ा बाहर करना है हाथों से, कुछ भी प्लास से मदद से हम इसको थोड़ा सा पकड़ पाएंगे ना, बड़े से खोल पाएंगे। तो थोड़ा ऊपर करना है, ऊपर करने के लिए हम इसमें ऐसे कुछ नुकीला कुछ सामान लेंगे, उसी से थोड़ा धीरे धीरे ठोक के उसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बाहर हो जाता है, हम हर रोज़ ऐसे करके ओपन करते हैं। तो पहले हम आपको ड्रिल मशीन से कैसे खोलना है वो दिखाते हैं। ड्रिल मशीन से खोल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको ये जो तरीका ना इसी से खोल जाता है, इसी से खोलने से थोड़ा टाइम लग जाए, ड्रिल मशीन से बढ़िया से खोल पाओगे। तो हमें पहले ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा घूमने से बढ़िया से ऐसे घूम जाएगा ना तो आप हाथों से भी उसको बाहर कर पाओगे। तो ऐसे करके पहले देख लेना, नहीं हो रहा है तो आप इसमें जो इसमें नाट बोल्ट है ना, बोल्ट को आप खोल लेना। खोलने के बाद और मशीन आपको खोल के ड्रिल मशीन से बढ़िया से उसको बाहर कर पाओगे। आप मशीन के साथ फिट रहेगा तो आप ड्रिल मशीन उसमें चला नहीं पाओगे। क्यों नहीं चला पाओगे, उसमें रिक्स होते हैं, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो एक हाथ से आपको मशीन को जहाँ पे बेल्ट रहते हैं ना उसको हाथों से पकड़ के रखना है तो घूम ना जाए। उसके बाद आपको ड्रिल मशीन प्रेशर देना है, और ड्रिल मशीन जब भी उसमें प्रेशर देंगे ना वो घूम जाएगा। तो ऐसे करने से आपका जो ड्रिल बीट है ना वो टूट सकता है, आपको हाथों में भी लग सकता है, वो रिक्स होता है। तो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं जो मैं काम करता हूँ, जो सच होता है तो आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं कैसे हर रोज खोलता हूँ हम आपको दिखा देंगे। तो ऐसे करके खोलने की हम कोशिश करते हैं, खोल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसे नहीं खोलते नहीं है, खोल जाता है, मैंने खोले हैं, कभी कभार खोलते हैं, हर वक्त नहीं खोलते हैं, और मैं जो तरीका दिखा रहा हूँ वो हर वक्त खोल जाते हैं। तो ड्रिल मशीन से हम कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसे जब जिस साइड से टूट गया है ना उस साइड से भी ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करने से कभी कभार बाहर हो जाता है, नहीं तो उल्टे साइड से करने से भी बाहर हो जाता है। तो ये काम कभी कभार ही होता है, कभी कभार याद भी नहीं रहते कौन से साइड से घुमाने से बड़ी से खोल जाते हैं। ड्रिल मशीन से ऐसे होते हैं, और जो ठोक के हम खोलते हैं ना वो तो आपको देख के पता चला जाए आपको कैसे खोलना है। जैसे आप नाट खोले हो ऐसे आपको ठोकने से खोल जाएगा। तो हम ड्रिलिंग मशीन से कोशिश कर लेते हैं। और ड्रिल मशीन से बढ़िया से आप खोल पाओगे, उसको खोलना है, खोलने के बाद रोटर को बाहर कर लेना है, उसके बाद आप भाई से पकड़ने के बाद आप ड्रिल से उसको बढ़िया से खोल पाओगे। उसमें आप प्रेशर दे सकते हो, प्रेशर देने से उसमें कटिंग होगा और नीचे चला जाएगा, और उसको फिटिंग रहेगा तो आप ड्रिल मशीन से बढ़िया से खोल नहीं पाओगे। नहीं तो आपको क्या करना है, बेल्ट को खोलना है, उसके बाद आपको जो पुली है ना उसको भाइस के आपको पकड़ना है, उसके बाद खोलना है, तो ऐसे करने से आपको पुली भी ख़राब हो सकता है। तो इसमें हम बड़ी से पकड़ नहीं पा रहा है, इसी वजह से खोल नहीं रहा। तो हम धीरे से ठोक के खोलने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए हम आपको धीरे धीरे करके ठोक के थोड़ा बाहर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको मूव करना है, आपको धीरे धीरे ठोकना है, आपको जोर से नहीं ठोकना है। जोर से ठोकने से क्या होगा, वो बैठ जाएगा, बाद में खोलने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं कैसे हम हर रोज़ काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको साइड से उसको ठोकना है, मिडिल पे नहीं। सपना दिखाते हैं सब,
मेरा कैमरा का जो क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हम सोचा था ये वीडियो को नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक काम कभी कभार ही होता है, तो आप इसको कोशिश करना कर पाओगे कभी, जो सुबह का टाइम में ऐसे काम आएंगे तो हम बढ़िया से आपको पिक्चर में देंगे, तो बढ़िया से आप काम सीख पाओगे। तो अभी जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाद में कभी काम आएंगे तो आप बढ़िया से वीडियो आपको देंगे बना के। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घूम रहा है, तो आप भी देख पा रहे हैं इसमें घूम रहा है, तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके इसको ठोक के इसको घुमा घुमा के इसको बाहर कर लेना है। देखिए हाथों से इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभार हाथों से टच होने से थोड़ा घूम जाता है, और प्लास से मदद से हम इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्लास से मदद थोड़ा घुमा है, तो थोड़े घुमा उसके बाद फिर से घूम नहीं रहा है, फिर भी घुमा है, देखिए आप भी देख रहे हो इसमें घूम रहा है, तो इसमें बड़े से हम पकड़ पाएगा ना, बड़े से घूम जाएगा। हाथों से बढ़िया से हम पकड़ पाएंगे तो बढ़िया से खोल पाएंगे, तो हम प्लास की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके घुमा के इसको खोलने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए अभी बढ़िया से घूम रहा है, तो इतने इसमें छोटे टूट गया है ना, वो थोड़ा बाहर नहीं है, अभी देखिए कितना बाहर बढ़िया से बाहर हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है इसमें, तो खोल जाएंगे, आप भी खोल पाओगे, ऐसे नहीं है खोल नहीं पाओगे, किसी के पास आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी इसको खोल पाओगे। टूट जाएगा तो आप परेशान हो जाते हो, ना टूट गया हम कैसे खोलेंगे, ऐसे नहीं है मेरे दोस्त, आप भी घर में भी इसको खोल पाओगे। देखिए कितना बढ़िया से मैंने खोल दिया है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी आप इसको खोल पाओगे। देखिए मैंने बाहर कर लिया, कुछ भी वेल्डिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें नट टूट गया था मैंने बाहर कर लिया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ये रेलेल कंपनी का मशीन है, बहुत ही अच्छे मशीन है, मैंने इसका वीडियो भी आपको दिखाया है।